दिल्ली के राजस्थान हाउस को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान हाउस के भवन तोड़ने और सामान निकालने पर विवाद, जांच करने पहुंची प्रशासनिक टीम के साथ बदसलूकी हुई है। ठेकेदार के सुपरवाइजर ने बदसलूकी की है। टीम में आवासीय आयुक्त शुभ्रा सिंह शामिल है, ज्वाइंट सेक्रेटरी जीएडी हर सहाय मीना भी मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान हाउस से जुड़े मामले पर गंभीर है। सरकार ने फिलहाल लगाई है रोक, सामान निकालने और भवन तोड़ने पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई है। पीडब्ल्यूडी ने बिना वर्क ऑर्डर ठेकेदार को दिया राजस्थान हाउस तोड़ने का काम। तो अपने आप में पूरा मसला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दिल्ली के राजस्थान हाउस को लेकर यह बड़ी खबर है। राजस्थान हाउस के भवन तोड़ने और सामान निकालने पर विवाद हुआ है। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति, आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जो तमाम स्थिति है, तमाम मौजूदा सिचुएशन है, वो वाकई में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और तमाम बड़े सवाल भी इसको लेकर उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह, जिसकी वजह से इतनी तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई है। फर्स्ट इंडिया ने अपने दर्शकों तक वो तस्वीर भी की और तस्वीर भी पहुंचाई है, क्योंकि अब ये पूरी घटना सवालों के घेरे में है। प्रशासनिक टीम के साथ बदसलूकी हुई है, ठेकेदार के सुपरवाइजर ने ये बदसलूकी की है। टीम में आवासीय आयुक्त शुभ्रा सिंह शामिल है, जॉइंट सेक्रेटरी जीएडी हर सहाय मीणा भी मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान हाउस से जुड़े मामले पर गंभीर है। सरकार ने फिलहाल रोक लगाई है, सामान निकालने और भवन तोड़ने पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई है। पीडब्ल्यूडी ने बिना वर्क ऑर्डर ठेकेदार को दिया राजस्थान हाउस तोड़ने का काम। अभी तस्वीरें भी जरा आप देखिए, तोड़फोड़ की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली के राजस्थान हाउस को लेकर ये बड़ी खबर, राजस्थान हाउस के भवन तोड़ने और सामान निकालने पर विवाद हुआ है। जांच करने पहुंची प्रशासनिक टीम के साथ बदसलूकी की गई है। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए, अपने आप में ये पूरा मसला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, बेहद खास भी हो जाता है, और देखिए जिस तरीके से ये मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्या वजह इस पूरी घटना के पीछे? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हम राजस्थान हाउस में मौजूद हैं और ये दो बिल्डिंग है। दरअसल जो ये सफ़ेद बिल्डिंग है, इसको तोड़ने की बात हुई थी। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इस पर पिछले लगभग एक साल से रोक लगा रखी थी कि यहाँ पे कोई रुकेगा नहीं। इसके बगल की ये बिल्डिंग है जहाँ पर जितने भी सीएस से लेकर मंत्री से लेकर विधायक आते थे, वो यहाँ पर रुकते थे। उसके बाद ये तमाम मसले के बाद जीएडी, जिसके अंडर में राजस्थान हाउस आता है, और शुभ्रा सिंह जो कि यहाँ की रेजिडेंट कमिश्नर है, उनके तमाम उसके अंडर में ही आता है। जब इस पूरे बिल्डिंग को तोड़कर, खास तौर पर उस बिल्डिंग को तोड़कर वापस से कंस्ट्रक्ट कराने की बात हुई, कागजी कार्रवाई हुई, तमाम चीज़ें हुई, तो जीएडी के हाथ से ये पूरा मसला जो है पीडब्ल्यूडी के हाथ में चला गया। पीडब्ल्यूडी ने इस पूरे काम का, जब इसके अंदर का जो फर्नीचर था, इसके अंदर का जो तमाम जो चीज़ें थी, उनको जिस ठेकेदार को बेचा था, उसी ठेकेदार की जिम्मेदारी थी कि ये बिल्डिंग तोड़ी जाएगी और ये बिल्डिंग टूटने के बाद इसमें काम होगा। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ये मसला पहुंचा, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई और कमेटी कल रात को बनी, आज सुबह ये कमेटी, जिसमें एक आरएस अधिकारी भी हैं, वो यहाँ पर आए। तो ठेकेदार और उस कमेटी, आरएस अधिकारी के बीच में हर्षाय सिंह जन का नाम है, जो कि टेक्निकली देखा जाए तो राजस्थान हाउस के, क्योंकि वो उस कमेटी के हेड हैं, तो टेक्निकली इसके हेड भी माने जा सकते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। और जो ठेकेदार है, उसका ये कहना था कि यहाँ पर मौजूद हर एक पेड़, हर एक पत्ता के साथ हम क्या करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है और आपकी नहीं है। जो कमेटी मुख्यमंत्री ने बनाई, उस कमेटी के हेड से ये कहा जा रहा था, जो कि एक आरएस अधिकारी है। आपको मैं कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये ट्रक है, ये जो सामान जब बाहर जा रहा था और जब यहाँ पर वो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, जो कमेटी के हेड, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लगभग हाथापाई जैसी स्थिति हुई ठेकेदार और उस कमेटी के बीच में। इस ट्रक को रोक दिया गया। मैं आपको, अगर वहाँ पर नेटवर्क आता है तो वहाँ पर ले जाने की कोशिश करती हूँ, कि सबसे बड़ा मसला इस पूरे बात में ये है कि दरअसल जब भी काम होता है तो एक वर्क ऑर्डर रिलीज किया जाता है। ये वर्क ऑर्डर उस ठेकेदार को रिलीज नहीं किया गया और उसके बावजूद भी ये काम चालू कर दिया गया।
उससे बड़ी बात है कि जब आप ये काम देते हैं तो जो ठेकेदार है वो 1.5 करोड़ रुपए उसको जमा कराने थे और उसके बाद ये काम शुरू होना था। ये काम शुरू हो गया, यहाँ तक कि जो मेन बिल्डिंग है उसका भी फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे वीवीआईपी मोमेंट होता था उसे भी तोड़ दिया गया, लेकिन अभी तक 1.5 करोड़ रुपए जमा नहीं हुए हैं, केवल 60,000 रुपए ही जमा हुए हैं। यानी कि बिना वर्क ऑर्डर दिए हुए ये पूरा काम चालू हो गया। और जब ये संज्ञान आया, देखिए यहाँ तो पहले ही लिखा हुआ था कि राजस्थान हाउस प्रयोग हेतु असुरक्षित घोषित है और ये काम होना था लंबे समय से, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये इतना बड़ा ग्लिच जो यहाँ पर हुआ है जिसमें ऐसी स्थिति आ गई कि ठेकेदार अधिकारी से ये सवाल कर रहा है कि तुम होते कौन हो ये बताने वाले, वो कमेटी के हेड से जो कमेटी मुख्यमंत्री ने बनाई है। और उसके बाद जीएडी का रोल पे सवाल उठता है कि जीएडी ने पूरी तरीके से पीडब्ल्यूडी को ये पूरा मसला हैंडओवर कर दिया, उसके बाद वर्क ऑर्डर तक भी रिलीज नहीं हुआ, लेकिन ठेकेदार ने कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया। इसके अलावा ये मेन बिल्डिंग है जिसके लिए कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि इसको तोड़ना नहीं था, इसको केवल रेनोवेट करने की बात थी। और जब ये पूरा मामला सामने आया तो इनकी सारी फाइल्स जो है वापस मंगवा ली गई। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर नेटवर्क आए और आपको ऊपर की तस्वीरें दिखा सकें। ये राजस्थान हाउस है और पूरा तमाम ये चीज़ें जो थी, जो कॉन्फ्रेंस हॉल था जहाँ पे अधिकारियों की बैठक होती थी, वो सब यहाँ पर तोड़ दिया गया। ये तस्वीरें हैं। और सबसे वापस मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी तक वर्क ऑर्डर रिलीज नहीं हुआ है और उसके बावजूद भी ये पूरे राजस्थान हाउस को तोड़ दिया गया है। इसमें जीएडी अभी करंटली हम यहाँ पर जब राजस्थान हाउस में मौजूद हैं तो बीकानेर हाउस में अधिकारियों की बैठक चल रही है जिसमें शुभ्रा सिंह मौजूद हैं, जिसमें हर्षाय जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उस कमेटी के वो मौजूद हैं। तो ये मामला तब गंभीर हो जाता है जब मुख्यमंत्री का इसमें रोल आता है और मुख्यमंत्री के साथ साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री जे और पीडब्ल्यूडी का जीएडी का जिससे हैंडओवर कर दिया पीडब्ल्यूडी को और बिना वर्क ऑर्डर के ये काम चालू कर दिया गया। तस्वीरें हम आपको और भी दिखाएंगे लेकिन यहाँ पे नेटवर्क का इशू है शायद इसलिए आपको नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन ये पूरा मसला है कि बिना वर्क ऑर्डर के राजस्थान हाउस में काम हो गया और इस तरह से हुआ कि बिना वर्क ऑर्डर के ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। मैं एक बार फिर पूरा मसला आपको ये इस तरीके से बताना चाहूँगी कि राजस्थान हाउस के जो भवन तोड़ने और सामान निकालने को लेकर बड़ा विवाद हुआ और इस विवाद में कई लोग सवाल के घेरे में आते हैं। जांच करने जब प्रशासनिक टीम पहुंची जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा बनाई हुई थी, उसके साथ ठेकेदार सुपरवाइजर ने बदतमीजी की और धक्का मुक्की तक भी करी। और उसके बाद टीम में आरएस अधिकारी ऑफिसर हैं हर्षाय मीणा, वो भी शामिल थे। और मुख्यमंत्री गहलोत को ये जब सारा मसला बताया गया तो अब इसको लेकर बीकानेर हाउस में एक बैठक चल रही है और सरकार ने फिलहाल सामान निकालने व भवन तोड़ने पर फिलहाल रोक लगा दी है। बीकानेर हाउस में अधिकारियों की बैठक चल रही है जिसमें प्रमुख आवासीय आयुक्त हैं शुभ्रा सिंह, वो मौजूद हैं और जीएडी के संयुक्त सचिव हर्षाय मीणा समेत तमाम और अधिकारी भी मौजूद हैं। मैं उस कमरे में लेकर आई हूँ जो इस पूरे भवन का सबसे वीवीआईपी कमरा था, जहाँ पर चीफ सेक्रेटरी रुका करते थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रुका करते थे और बिना वर्क ऑर्डर के इस भवन की ये स्थिति हो चुकी है। ना तो जो अमाउंट था वो जमा कराया गया है पूरा और ना ही बिल्कुल। अदिति, तमाम तस्वीरें आपने साझा की और साथ ही एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी भी आपने हम तक पहुंचाई कि किस तरीके से यहाँ पर जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें जो बड़ा ग्लिच आया उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और कोशिश कीजिए आप जल्द से जल्द बिल्डिंग से बाहर निकले, क्योंकि जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है आपका वहां रुकना सुरक्षित नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपका।